ये पर्व और त्योहार हमें केवल आयोजन के साथ नहीं जोड़ते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करते हैं एक नए आदर्श के रूप में। उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना करके उसको अक्सर से पालन करें। यह प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है और जहां कहीं भी ये समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा, हिंदू समाज, भारत का सनातन समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा, यह पर्व पुण्य और वैभव में सदैव दुनिया केंद्र अग्रणी रहा। लेकिन साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सबके सामने बिखरे पड़े हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए फिर से समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं। हमें कतई न होने दें, अन्यथा जो गौरव की अनुभूति आज आप कर पा रहे हैं कि पांच सदी के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो गए, कई पीढ़ियां चली गई, पीढ़ियां इस बात के लिए तरसती थी कि एक बार अपने प्रभु को अयोध्या में विराजमान होते अपनी आंखों से देख सकूं। राजनीतिक स्वतंत्रता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी बाहक होती है और यह गुलामी के उन कालखंडों में, मध्यकाल के उन काले दिनों में हम लोगों ने महसूस किया है, हमारी धर्म और संस्कृति ने महसूस किया है, ये फिर से न होने पाए। इसके लिए देश की आजादी के लिए, आजादी के जिन बलिदानियों ने, जिन नायकों ने, महानायकों ने अपना बलिदान किया था, उसकी कीमत हमें व्यर्थ में नहीं जाने देनी चाहिए। संगठित होकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, इस संगठन की ताकत को जहां पे जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, और उसी संगठन को एक करने के लिए अयोध्या में एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपनी जन्मभूमि पर, और दूसरी तरफ हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को रामायण के माध्यम से देने वाले त्रिकाल तरसी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी होता है।